वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच फिल्म निर्माताओं के खिलाफ हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच आज करनी सेना ने मुरादाबाद में एक जुलूस निकालते हुए तांडव फिल्म यूनिट का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बीच अब उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदू संगठन और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में आज करनी सेना के लोग हाथों में तांडव फिल्म के पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले और फिल्म निर्माताओं और फिल्म कलाकारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने पूरी यूनिट का पुतला दहन भी किया और पूरी यूनिट के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग केंद्र और प्रदेश सरकार से की है। ये जो तांडव फिल्म बनाई गई है, इसकी पूरी स्टार कास्ट का पुतला हमने जलाया है। इसमें हिंदू देवी देवताओं का, हमारी वैदिक संस्कृति जो है उसको अपमानित करते हुए दिखाया गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करके दिखाया गया है। हमारे जो देवी देवता हैं उनका अपमान दिखाया गया है। और करणी सेना इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। अगर ये जल्दी ही इस पर लगाम नहीं लगी तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अगर सर सरकार नहीं सुनी और वो आगे वो क्या क्या मांगे रखी है सर आपने? नहीं, मांगे हमने यही रखी है कि किसी भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान आप क्यों कर रहे हैं, किसी भी हिंदू देवी देवता पर आप फिल्म क्यों बना रहे हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आप क्यों हाथ कर रहे हैं, या किसी जाति विशेष संप्रदाय को आप क्यों उकसा रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है। JNU में आप देखिए, अलियाबाद सफर JNU फिल्म में साफ साफ दिखाया गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का ही काम है ये, और किसी का काम ही नहीं है। जो JNU में अभी 2-4 साल पहले हुआ था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्हीं लोगों ने फिल्म को फाइनेंस किया है और उन्हीं लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए ये फिल्म बनाई है। इस तरह की फिल्म कब तक चलती रहेंगी हिंदुस्तान में? करणी सेना इसका विरोध करती है और अगर तांडव बंद नहीं हुई तो करणी सेना तांडव करेगी, चाहे हमारे खिलाफ मुकदमे हो या हम जेल जाएं, हमें कोई डर नहीं।